हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आसान है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC। इस वीडियो में हम टॉप 30 MCQ डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा कि 2006 और 2019 में NHRC में संशोधन किया गया है और इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में आपको लेकर आए हैं। तो इस टेस्ट को पूरा दीजिए और आपके कितने MCQ सही है, आपका क्या स्कोर रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। यदि आप और MCQ लगाना चाहते हैं अदर आयोग की, तो आपको प्लेलिस्ट में और आयोगों के वीडियोस मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार आयोग की सार्वभौमिक घोषणा कब की? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 दिसंबर 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 12 अक्टूबर 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा निकाय है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सांविधिक निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रंगनाथ मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अब तक की कोई महिला नहीं बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने पदें सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार आयोग में नियुक्त किए गए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मानवाधिकार विशेषज्ञ कितने सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 2019 के संशोधन के पश्चात कितने पदें सदस्यों को जोड़ा गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य व अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को कौन हटाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति हटा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 वर्ष 70 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य व अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के बाद भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी और कार्य का पात्र नहीं होगा, यह किस धारा में प्रावधान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 बार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश द्वारा करता है, उस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के रूप में अन्य आयोग के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं बन सकता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए व सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग को सजा देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, किसी मानवाधिकार पीड़ित को अधिक मुआवजा देना। थैंक यू दोस्तों, यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।